अब ये नया वर्ड हमारे सामने है। इस पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है? किसी स्लो चीज की बात हो रही है कि फास्ट वाली बात हो रही है? हाँ, समझ गए आप, किसी फास्ट चीज की बात हो रही है, दौड़ने की बात हो रही है, रन की बात हो रही है। स्विफ्ट हमारा वर्ड है। देख, कार आती है ना एक स्विफ्ट, तो उस कार का नाम स्विफ्ट क्यों रखा? क्योंकि स्विफ्ट जो वर्ड है, इसका रिलेशन स्पीड से है, गति से है, है ना। इसका जो सिनोनिम है वो है रैपिड, तेज, फास्ट। हमें जो वर्ड आता है फास्ट आता है, फिर आता है रैपिड, अब तीसरा वर्ड सीख लो स्विफ्ट। तो स्विफ्ट अगर वर्ड कहीं लिखा मिलेगा, इसका मतलब है कि कोई चीज कहीं स्पीड में जा रही है। ये स्पीड से रिलेटेड है। किस से रिलेटेड है? स्पीड से रिलेटेड मामला है, है ना। तो उसको हम कहते हैं स्विफ्ट। चलो, ये भी हो गया। वैसे एक और अच्छी बात यहां याद आई कि जीवन में गति से ज्यादा दिशा का महत्व है। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो, जीवन में गति से ज्यादा दिशा का महत्व है। मतलब हम बहुत स्पीड में चल रहे हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। वो आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी? बिल्कुल सुनी होगी, है ना। आपको मालूम नहीं, जब आप बचपन में छोटे थे तो आपको मालूम नहीं क्या उसका सार बता दिया गया था। एक नए एंगल से इस कहानी को फटाफट देख लेते हैं। कछुए और खरगोश में शर्त लगी दौड़ लगाने की। पुराने जमाने का समय था, जंगल का मामला था, कोई ट्रैक थोड़ी था कि उस पर दौड़ना था, है ना। अब दोनों ने डिसाइड किया कि हम उस पहाड़ी तक दौड़ेंगे। यस, दोनों ने दौड़ना शुरू किया। रैपिड, जो रैपिड था वो तो बहुत फास्ट था, रैपिड था, स्विफ्ट था, वो तो बहुत तेजी से दौड़ लगा गया। पर उसने गलती क्या की? उसने गलत रास्ता चूज कर लिया। वो स्पीड में तो था लेकिन वो गलत रास्ते पर निकल गया। जबकि हमको क्या बताया था कि बीच में सो गया। अरे, कोई सोता है क्या? ऐसा नहीं सोता है ना। वो बहुत तेजी से दौड़ता हुआ कि उसको जल्दी जीतना था। हर आदमी जल्दी जीतना चाहता है, जल्दी सक्सेसफुल होना चाहता है। तो उस रैबिट ने क्या किया? बहुत तेजी से कहां निकल गया? गलत रास्ते पर। और वो कछुआ और टॉर्टोइस क्या किया उसने? धीरे 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 सही दिशा में चलता रहा। धीरे धीरे ही सही, पर सही राह पर चलते रहिए, है ना। उसने इस बात को फॉलो किया और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे 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 अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहा। और वो खरगोश क्या कर रहा था? तेजी से गलत रास्ते पर गया। फिर उसको वहां जाके रियलाइज हुआ कि मैं शायद गलत जगह आ गया हूं, है ना। वहां से उसने टर्न मारा। तो वापसी के रास्ते हमेशा थोड़े कठिन होते हैं। यहां से वहां से कूदता फांदता जैसे तैसे, है ना, आया जब वो ट्रैक पर वापस, लाइन पर जहां पहुंचना था, तब तक कछुआ रेस जीत चुका था। तो क्या स्पीड वाले ने रेस पकड़ी या उसने रेस जीती, वो सक्सेसफुल हुआ? नहीं। पर हम हमेशा उन्हीं व्यक्तियों को अपने आसपास देखते हैं, उनसे अपना कंपैरिजन करते हैं जो बहुत तेजी से स्पीड में चले जा रहे हैं। अरे, ये कहावत तो सुनी है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो धीरे और लगातार चलते हैं वो जीत जाते हैं। फिर लाइन याद रखिए, धीरे धीरे ही सही, पर सही राह पर चलते रहिए। गुड। चलो, तो स्विफ्ट के बहाने हमने एक स्टोरी सुनी और इसको अच्छे से समझा। अब हम एकदम स्विफ्ट नहीं चलेंगे, स्लो एंड स्टेडी चलेंगे।